हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि डागर एसके फूड ट्रेजर्स में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों हरे कृष्णा। आज हम पितृ पक्ष के लिए श्राद्ध की थाली बनाएंगे। ये बिना प्याज लहसुन के स्पेशल वेज थाली होती है। इसमें हम इंस्टेंट खीर और अजवाइन वाली पूरी, रायता और दो तरह की सब्जी बनाएंगे। भिंडी की और कद्दू की सब्जी बनाएंगे। भिंडी और कद्दू को अच्छे से धोकर हमने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको बनाने के लिए सरसों का ऑयल लेंगे। सरसों का ऑयल इसमें बहुत अच्छा रहता है। पैन में 2 चम्मच ऑयल गरम करके आधा चम्मच जीरा भून लिया। अब आधा चम्मच राई डालें या फिर मेथी डाल लें, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर 2-3 बारीक कटी हरी मिर्ची डालकर भून ली है। अब ऊपर से कटा हुआ कद्दू डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और धीमी आंच पर इसे 2-4 मिनट भूनते हुए इसमें 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब भिंडी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर जीरा भून लिया, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर भिंडी भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए भून लेंगे। इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक कद्दू की सब्जी को भी देख लेते हैं। इसमें अगर पानी कम लग रहा है तो आप इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी और डाल सकते हैं और 5 मिनट के लिए फिर से पकने के लिए छोड़ दें। अब इधर भिंडी को देख लेते हैं। भिंडी को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये ऊपर नीचे से अच्छे से पक गई है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच नमक डाल लेते हैं, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और कुछ हरा धनिया डाल लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं हमने, फिर भी ये सब्जी बहुत जल्दी बनी है और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे और ऊपर से 1 नींबू का रस भी निचोड़ देंगे। इससे खट्टापन तो आएगा ही और कुरकुरी कुरकुरी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। अलग से एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसे और कद्दू की सब्जी को भी देख लेते हैं। कद्दू की सब्जी ऑलमोस्ट पक गई है। इसमें नमक डालें, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालें और आधा चम्मच इसमें सौंफ पाउडर डालें। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। 2-3 मिनट तक इसको पका लें धीमी आँच पर और अब इसमें हरा धनिया डाल दें। 2 मिनट तक पकाकर उतार लें और एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। आप इसकी जगह लौकी, तोरी या फिर बीन्स की सब्जी भी बना सकते हैं। अगर पितरों को पसंद है तो आप आलू या फिर अरवी बना सकते हैं। खीर बनानी रख देते हैं। 1 केजी कोई भी दूध लें आप, गर्म कर लें उसको अच्छे से और आधा घंटा पहले भिगोए हुए बासमती के छोटे टुकड़े इसमें डाल दिए हैं हमने। ये देखिए, इसको चला लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो साबुत चावल भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे चावल से खीर जल्दी बनती है। धीमी आंच पर इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और 15-20 मिनट तक पकने के बाद जब खीर गाढ़ी हो जाती है तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू और किशमिश डाली है। आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दें। इससे खीर का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अगर आप एकादशी के दिन पितरों का खाना बना रहे हैं तो आप साबूदाने की खीर बनाएं या फिर हलवा बनाएं, चावल की खीर ना बनाएं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून चीनी डालकर 2-3 मिनट तक पकाकर खीर को उतार लिया है। अब पूरी के लिए आटा गूंद लेते हैं। 2 कटोरी आटे में आधा चम्मच नमक डाल लिया और आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल ली। 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा टाइट डो बनाएंगे, क्योंकि पूरी के लिए तो टाइट आटा चाहिए। मथ लेंगे इसको अच्छे से और 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक रायता बना लेते हैं। 1 कटोरी फ्रेश दही को अच्छे से फेंट लिया है। आधा चम्मच नमक डाल लिया, आप थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। 1 ग्रेटेड खीरा लेके
इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच लाल मिर्ची, दो तीन हरी मिर्ची बारीक कटी हुई इसमें डाल लेंगे और साथ में पुदीना या हरा धनिया डाल लें। पुदीना या हरा धनिया से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप बूंदी का रायता ना बनाएं क्योंकि बेसन पितरों को अर्पित नहीं किया जाता है। आप आलू या घिया का रायता भी बना सकते हैं। रायता तैयार है, अब आटे को देख लेते हैं। थोड़ा सा मथ कर इसको नरम करेंगे और छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर छोटी छोटी पूरियों के लिए लोइयां तोड़ लेते हैं और बना लेते हैं। 5-7 लोइयां बनाकर अब चकले पे थोड़ा चिकना हाथ लगाकर पूरी बेल लेते हैं। 5-7 पूरियां एक साथ बेलने के बाद साइड में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और धीरे धीरे पूरियां छोड़ते हुए मीडियम फ्लेम पर पूरियां तलते रहेंगे और निकालते रहेंगे। एक तरफ से सिकने के बाद दूसरी तरफ से पूरी को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे और इस तरह से छलनी की हेल्प से कढ़ाई में ऑयल को निकालते हुए सारी पूरियां तल लेंगे। पूरियां बहुत सुंदर बनी है, सारी पूरियां तैयार हैं। अब अदरक और हरी मिर्च को लंबा काट कर उसमें थोड़ा नमक डाल लें और एक नींबू का रस मिला लें। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और खाने में भी चटकारेदार होती है, इसे आप जरूर बनाएं। ये देखिए सारे खाना बनकर तैयार है। पूरियां, खीर, रायता, दो दो सब्जियां और साथ में सलाद भी। पितरों की थाली तैयार कर लेते हैं। ये पवित्र सी थाली तैयार कर ली है और ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी हैं। इन्हें अपने पितरों को अर्पित कर लें। ये थाली बनाना बहुत ही आसान है, बस पहले से ही थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपको ये सारा खाना पसंद आया है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।